लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, 1987 का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है। अभी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो फ्रॉम द स्टेट ऑफ तालुका टू द सुप्रीम कोर्ट, हम लोग पहले भी कई एक जजमेंट पढ़े होंगे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर किसी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है और जस्टिस तो करनी है और जस्टिस तो होनी है, दैट इज़ वाई उसको सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि फ्री लीगल एड दे। ये हमने कई एक जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 के दायरे में भी उसको ला दिया था। तो वहाँ से हम अगर देखें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पूरा रेगुलेशन बनाया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट थ्री टीयर पर तो खूब है, पहला नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अभी नए अमेंडमेंट में उन्होंने उसको तालुका लेवल पर भी लिया है। तालुका मतलब जो तहसील जिसको कुछ जगहों पर कहते हैं, तो तालुका लेवल पर भी या ब्लॉक लेवल पर ले आए, जहाँ पर आपने सुना होगा कि एक सिंगल जज कोई सिविल का बैठता है किसी तहसील में किसी तालुका में, तो वहाँ पर भी जस्टिस की आवश्यकता पड़ती है, इस लीगल एड की आवश्यकता पड़ती है। तो इन थ्री टीयर फोर्थ अगर हम तालुका जोड़ लें तो चार हिस्सों में अपने पास लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसकी जो आज की लिमिट है वो 9,000 रुपये से कम की जिसकी आमदनी है, 9,000 से कम की जिसकी आमदनी है वो अप्रोच कर सकता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत। अभी जो नए अमेंडमेंट आए हैं, नए अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि ओनली एफिडेविट पर, 2015 में सरकार ने अमेंडमेंट किया है और कह दिया है कि केवल एफिडेविट में उसको ले लीजिए और उस पर विश्वास करना सीखिए कि वो ठीक कह रहा है। तो ऑन एफिडेविट कोई एप्लीकेशन करता है इधर टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी, और वो कहता है कि मुझे एक परेशानी है, इधर मे बी द डिफेंडेंट और मे बी द प्रोसिक्यूटर, वो सॉरी मे बी द डिफेंडेंट और द प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है, उसको समस्या है पैसे की, तो वो ऑन एफिडेविट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। इन अथॉरिटीज़ के पास अपने बिल रहे, अपने अपने पैनल रहते हैं, उस पैनल्स पर जो एडवोकेट्स रहते हैं उन एडवोकेट्स में से कोई एक चुनना होता है। तीनों स्टेजेस पर ऊपर अगर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करेंगे तो उसका चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट का चीफ जस्टिस रहता है, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, और तालुका पर बात करेंगे तो वहाँ जो भी सिविल जज बैठा हुआ है या मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है उसके पास वो उसको वो उसका हेड बनाते हैं। इसके अलावा इन सभी स्टेजेस पर एक सिटिंग या रिटायर्ड, जैसे नेशनल की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज हम वहाँ पर बिठाते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज, नीचे की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पर तो डिस्ट्रिक्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज, और अगर तालुका में बात करेंगे तो तालुका में अदर मेंबर्स और जजेस, ऐसे करके इसके कॉम्बिनेशन नीचे से ऊपर तक बनाने की कोशिश की है। देखिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट खास तौर से याद रखने की बात जो है वो ये है कि दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू द ADR सिस्टम, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हमने बनाए हैं उनमें भी ये बहुत हेल्प कर है। इस एक्ट के तहत ही लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत के प्राविधान रखे गए हैं, लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत के हिसाब के रखे गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जो इकोनॉमिकली बहुत परेशान है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी पर जाकर अप्रोच कर सकता है और वहाँ रिक्वेस्ट कर सकता है और उसका मुकदमा सरकार लड़ेगी। सरकार का जो पैनल रहता है उस पैनल से एडवोकेट चुनने का भी अधिकार आपको दे रखा है, आप उनमें से एडवोकेट चुन लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट जज अपनी तरफ से